ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान का आशीर्वाद और भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी को आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त हों। जब भी आप भगवान का दीपक जलाते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हमारे दिमाग में बहुत सारी शंकाएँ भी बनी रहती हैं कि हम दीपक जला रहे हैं तो कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। तो जब भी हम भगवान का दीपक जलाते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, तो क्या हम उस दीपक से भगवान की आरती कर सकते हैं? तो आपको इस बात को समझना चाहिए, जब भी आप भगवान को दीपक अर्पित करते हैं तो उसकी स्थापना हो जाती है। आप दीपक की स्थापना एक तरह से कर देते हैं, और जब भी दीपक की स्थापना कर दी जाती है तो उसे हिलाया नहीं जाता है। जब उसे हिला नहीं सकते हैं तो आप खुद सोचिए कि आप उस दीपक से आरती नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप दीपक जलाएँ भगवान के लिए तो उससे आरती ना करें। अगर आपको आरती करनी है तो एक दीपक तैयार रखें, जब भी आरती का समय हो तो उस दीपक को जला लें और आरती कर लें। अन्यथा आप कपूर से अगर आरती करना चाहते हैं तो कपूर से कर दीजिए, वो भी बहुत शुभ होता है, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। इसी तरह से जब भी हम दीपक को जलाते हैं तो दीपक की जो बाती होती है उसकी दिशा हमेशा आप सही रखिए, या तो पूरब दिशा या फिर उत्तर दिशा। पूरब दिशा अगर आप रखेंगे तो सुख समृद्धि आएगी, उत्तर दिशा रखेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद बना रहेगा और आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरह से अगर हम उसकी दिशा दक्षिण की तरफ रखते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है, घर में दरिद्रता आती है, परेशानियां बनी रहती हैं। और पश्चिम की तरफ अगर हम बाती को रखते हैं तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, कोई फलदायक नहीं होता है। इसलिए दीपक की जो बाती की दिशा है वो पूर्व में या उत्तर में रखनी चाहिए। अभी कुछ व्यक्ति ऐसा कहेंगे कि उनके पास जो दीपक है उसमें सेंटर में बाती है, तो सेंटर में जो बाती रहती है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी रख दीजिए, वो तो सेंटर में ही रहेगी, उसको रखने में कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं जैसे कि क्या मिट्टी का दीपक हम अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं? देखिए, मिट्टी का जो दीपक होता है वो किसी विशेष पूजा में लगता है या कोई विशेष पूजा की जाती है तब मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। जैसे दीपावली होगी, होली हो गया, या घर में कुछ आप कथा करवा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो कुछ विशेष पूजा जब होती है, यहाँ विशेष जोड़ा गया है, विशेष पूजा में ही मिट्टी के दीपक का प्रयोग होता है। ऐसे हमें घर के मंदिर में मिट्टी के दीपक में दिया नहीं जलाना चाहिए। आप चाहिए तो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले लीजिए, पीतल सबसे शुद्ध होता है, पीतल का ले लीजिए, बहुत शुभ रहेगा। एक ही बार आपको लेना है तो पीतल के दीपक में दिया जलाइए। इसी तरह से दीपक में जो बाती होती है उसकी दिशा हमने आपको बताई थी कि हमेशा पूरब रखिएगा और या फिर उसको उत्तर की तरफ रखिएगा, बाकी दिशाओं में रखने से आपको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। खासकर दक्षिण की तरफ तो बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि वो शुभ फल देने वाला नहीं होता है। और जो हम दीपक जलाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि सुबह जो दीपक जलाया उसकी बाती बच गई, शाम को आपने क्या किया, उसी में घी तेल जो भी डालना आपने डाला और दीपक जला दिया, तो ऐसा कदा भी मत करिए। कल के बची हुई बाती को आज मत जलाइए, सुबह की बची हुई बाती को शाम को मत जलाइए, क्योंकि एक बार दीपक जलने के बाद में उसका एक तरह से हम समापन कर देते हैं, तो उसको हमें दोबारा से अग्नि प्रज्वलित करके स्थापित नहीं कर सकते हैं। आपको बाती बदल लेनी चाहिए और दीपक को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कालिक लगी हुई है, काला पीला नीला हो गया है जलाते जलाते और आपको ध्यान ही नहीं है, बस आप कपड़े से पोंछ के उसको जला दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोज़ दीपक को अच्छे से मांजिए, दीपक आपका चमकता रहना चाहिए। जितना आपका दीपक चमकता रहेगा उतने ही आपका भाग्य चमकता रहेगा और आपके जीवन में जो परेशानियाँ वो दूर होती रहेंगी। तो दीपक को साफ रखिए और साफ दीपक ही जलाइए, ऐसा नहीं है कि आप गंदे दीपक से आप रोज उसी को प्रज्वलित कर दे रहे हैं। और दीपक में जो बाती बच जाती हैं उसका हमें क्या करना चाहिए? तो दीपक में जो बाती बचती है उन्हें ऐसे नहीं कहीं पे भी जो कचरे में फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको। उन बातियों को इकट्ठा करिए, अगर आप कहीं पे नदी वगैरह में जाते हैं वहाँ प्रवाह कर सकते हैं तो वहाँ प्रवाह कर दीजिए, अगर नदी में प्रवाह नहीं कर सकते हैं बहते हुए जल में कहीं प्रवाह कर दीजिए, नहीं वहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं तो आपका जो बगीचा है वहाँ कहीं गाड़ दीजिए, ज़मीन में भूमि विसर्जन कर दीजिए, जैसे भूमि विसर्जन कहते हैं, या फिर आप अपने घर में बगीचा नहीं रखते हैं गमला वगैरह तो उसमें डाल दीजिए, और नहीं कि कहीं डाल पा रहे तो ऐसी जगह डालिए जहाँ मतलब किसी का पैर ना पड़े, उन बातियों पे किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से आप उनका विसर्जन कर सकते हैं।
उसके बाद में एक सवाल दिमाग में ये भी उठता है, जैसे मान लीजिए हम भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ वाली जो फोटो होती है, मूर्ति होती है, वही अपने मंदिर में रखिए, अलग अलग मत रखिए, दोनों की रखिए। और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए जो फोटो या प्रतिमा होती है वो रखेंगे तो बहुत शुभ होता है, लक्ष्मी आपके घर में रुकी रहेंगी, लक्ष्मी का जो है आपके घर में आगमन बना रहेगा हमेशा। तो इस तरह की आप मूर्ति रखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम माँ लक्ष्मी के लिए अलग दीपक जलाएं या भगवान विष्णु के लिए अलग दीपक जलाएं, ऐसा नहीं होता है। अगर दोनों की साथ में आप पूजा करें तो आप एक ही दीपक रखिए घर मंदिर में, जैसे आप सर्व देवताओं के लिए एक दीपक जला दिए, स्थापना कर दी, तो सभी देवताओं के लिए हो जाता है, उसको अलग से, ऐसा नहीं कि हर देवता के लिए आप अलग 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 करके दीपक जला रहे हैं। हाँ, जैसे आपके मंदिर के बगल में आप कुल देवी का स्थान रखें तो वहाँ पर आपको अलग दीपक जलाना पड़ेगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन एक ही मंदिर में अगर सब रखे हुए हैं तो वहाँ पे अलग अलग दीपक नहीं जलाते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु के लिए आपने अलग से दीपक जला दिया, माँ लक्ष्मी के अलग से जला दिया दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक ही दीपक से दोनों की पूजा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसे आरती नहीं करना है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। और इसी तरह से भगवान शिव और माता पार्वती के लिए भी आप कर सकते हैं। एक लोगों ने कमेंट में पूछा था कि दोनों को अलग अलग दीपक जलाना चाहिए क्या, ऐसा नहीं है। अगर माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं या माँ पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो उनको अलग से दीपक नहीं जलाना, दोनों की जब एक साथ आप पूजा करते हैं, जैसे शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं तो एक ही दीपक, वो जो आपने मंदिर में जलाया है वही काफ़ी है, उसी दीपक से भगवान की पूजा करनी है, वही उनको समर्पित भी करना, मन में भाव लाइए कि हमने समर्पित किया है। और आरती तो आपको या तो कपूर से करनी है या फिर दूसरा कोई दीपक तैयार रखिए जिससे आप आरती कर सकते हैं। दीपक जलाने के बाद में कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मंदिर आपने नीचे सेट कर रखा है दीवार में, एक तो दीवार में टंगा होता है और एक आपने नीचे सेट कर रखा है या अलमारी में कहीं है, तो जो दीपक होता है उसको सीधे अलमारी में नहीं रख देना है नीचे, मतलब उसको भूमि स्पर्श करके कहीं नहीं रखना है। हाँ, अगर आपका लकड़ी का मंदिर है और आपने उसको दीवार में टांगा हुआ है तो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि उससे कहीं भी गर्म होकर आग भी लग सकती है, तो उस हिसाब से रखिएगा कि मंदिर में आग ना लगे। और दूसरा, अगर नीचे मंदिर रखा है तो कहीं पे भी आप ध्यान रखिए कि भूमि स्पर्श करते हुए दीपक को नहीं रखना है, क्योंकि जो धरती माँ होती है और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं वो सारी अग्नि सहन कर सकते हैं, लेकिन जो दीपक की जो गर्मी होती है, अग्नि होती है, वो सहन नहीं कर पाती है, इसलिए उनको कभी भी दीपक को आपको सीधे ज़मीन पर नहीं रखना है। अगर आपको दीपक नीचे रखना है तो आप चावल की ढेरी बना दीजिए, चावल नहीं है तो आप गेहूं की ढेरी बना दीजिए। कुछ लोग घर के बाहर भी दीपक रखते हैं रोज़ शाम को, तेल का या किसी का भी, तो उस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि सीधे दीपक को नीचे नहीं रखना है, या तो कोई लकड़ी का आप बना लीजिए जिसमें आप रोज़ रख सकते हैं, उसको साफ़ रखिए, या फिर आप चावल की थोड़ी ढेरी से बना दीजिए उस पर दीपक रख दीजिए, या गेहूं की बना दीजिए उस पर रख दीजिए, सीधे दीपक को ज़मीन पे नहीं रखा जाता, कारण हमने आपको बता ही दिया। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा या फिर अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।